all good all well yes just give me a quick moment and i will be with you yep my squeaky little chair wants to make some noise but anyways good evening everyone what's up hi everyone okay good evening what's up hi everyone Come on, guys, show some spirit. Yeah. Okay. So, guys, we are gonna play crosswords. Some crossword play करने वाले हैं. बहुत ही simple है. एक दो question हो सकता है hard हो जाए, but most of the questions काफी simple है, right? Here's the rule of the game. है you ना? Know, game का rule क्या है? पहले मैं समझा दूँ, ठीक है? Okay. Everyone ready? सब ready हैं क्या? Okay. Uh, give me one quick moment and I will be back with you. Just let me set up the mentee, right Okay in one moment We are going to start the quiz Okay, so I'm ready now, I guess Chalo, so beta first thing first. What are the rules? सर आपका उमा मैम का क्लास चल रहा है दोनों कैसे करेंगे आपका उमा मैम का क्लास उमा मैम का क्लास नहीं होगा अच्छा एक समय पे दो क्लास हो गई क्या हाँ देर वॉज मिसमैच ऑफ थिंग्स दैट अकर्ड फॉर दिस क्लास बट डोंट वरी थिंग्स लाइक दिस वोट अ क्रॉसवर्ड मैं आपको क्रॉसवर्ड दिखाऊंगा ठीक है हर एक क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मिनट बचेंगे राइट तो आई हैव माय टाइमर राइट हियर यू गेट टू मिनट्स टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड उसके बाद हम मेंटी पे जाएंगे और मेंटी पे आपके आंसर्स लेंगे ओके फाइन क्लियर है सबके लिए सबके लिए क्लियर है ना तो फर्स्ट फर्स्ट आई थिंक या सो फर्स्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू चार चीजें हैं राइट right? तो आपका दो मिनट शुरू होता है अब या टू मिनट्स स्टार्ट राइट नाउ वैसे तो मुझे अपना मोबाइल ले लेना चाहिए है ना मैं टाइम कैसे गिनूंगा मी गेट माई मोबाइल

ओके okay. ये ज्यादा ही हो गया जल्दी चलो गो हैड आई आल चेक द टाइम ऑन माई वॉच ठीक है एवरी वन ओके ठीक है गाइस जल्दी से आपका टाइम रन हो रहा है जल्दी जल्दी है हाँ ना मैं बीच बीच में कॉफी भी पी ले रहा हूं बेटा आंसर सबको नहीं बताओ डोंट डू दिस डोंट डू दिस लेट एवरी वन लेट एवरी वन सोल्व अर्शिया सोनी बिलास बेटा लेट एवरी वन सबको सॉल्व करने दो है ना आंसर नहीं लिखना है चलो आई एम स्विचिंग ओवर टू मेंटी नाउ अब मैं मेंटी पे स्विच कर रहा हूं ठीक है अब मैं मेंटी पे स्विच कर रहा हूं ओके वेट वेट लेट मी, लेट मी लेट मी फाइंड मेंटी। ओके वेट गाइस, क्विकली ऊपर कोड आ रहा है जल्दी से मेंटी पे जाओ नहीं नहीं आपको मेंटी पे आंसर करना है ठीक है मेंटी पे आंसर करना है कोड देखो ऊपर आ रहा है कोड ऊपर आ रहा है जल्दी से आ जाओ कम ऑन एवरीवन रुको मैं हटता हूं लेट मी फ्रॉम द स्क्रीन मैं डिसपियर हो जाता हूं और कोड को दिखाता हूं ये रहा कोड जल्दी से लॉग इन करो ओके okay, हो गया ओके okay. लेट मी री रीअपियर हां जी ओके सो सब ने सॉल्व कर लिया था सबके पास आंसर्स हैं अब जल्दी जल्दी आंसर कैपिटल लेटर्स में लिखना राइट आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स बेटा राइट आंसर्स इन दिन कैपिटल लेटर्स ठीक है कैपिटल लेटर्स आई एव विजीत गुड इवनिंग बेटा जी चलिए क्या हाल चाल कम ऑन एवरी वन आई एम ड्रिंकिंग माइ डिलीशियस कॉफी कब एवरी वन चलो पहला आंसर सभी बच्चों ने माउथ लिखा ऐसा क्या द करेक्ट आंसर इज माउथ सारी कैपिटल में लिखो बेटा सारी कैपिटल में लिखना ठीक है चलो सेकेंड वन देखते हैं कितने लोगों ने सही सही आंसर किया बेटा कोड स्क्रीन के ऊपर देखो फ्लैश हो रहा है सौम्या स्क्रीन के ऊपर देखो फ्लैश हो रहा है कोड व्हाट कैफीन डू बेटा कैफीन स्टिमुलेट्स योर नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है है ना और आपका जो आपने देखा होगा इट्स आल्सो आर इट्स आल्सो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्योंकि किडनी के काम को बढ़ा देता है चलो क्वेश्चन टू वन आपको अक्रॉस का टू लिखना है हेल्प्स यू गेट एनर्जी व्हाट इज देयर दैट हेल्प्स यू गेट एनर्जी सर माय नेम इज नॉट कम बेटा मनी टॉप टेन लोगों का इधर आएगा ठीक है टॉप टेन लोगों का ऐसे तीन क्रॉस वर्ड है हमारे पास मजे से खेलेंगे अपने सारे दोस्तों को बुलाओ जल्दी से गाइज जल्दी सेशन का लिंक अपने सारे दोस्तों को भेजो अभी के अभी ठीक है ट्वेंटी सिक्स पीपल ओनली ओ दैट्स बैड ओके बहुत लोग कंफ्यूज हो गए करेक्ट आंसर ऑक्सीजन था बेटा बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कुछ लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा लिखा कुछ ने एटीपी लिखा बेटा फिल भी तो होना चाहिए था आपने ये नहीं देखा फिल होना जरूरी है तो करेक्ट आंसर वॉज ऑक्सीजन चलिए नेक्स्ट एकदम सही से लिखना है कोई हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है ना क्वेश्चन थर्ड आल डे कना सिप ऑफ माई कॉफी यप हेल्प यू पिक अप थिंग्स आपको चीजों को उठाने में मदद करता है <coughs> सोच के समझ के सोच के समझ के कम एंड बेटा फिट भी होना है ओके okay, बहुत लोगों ने बेटा क्रॉस वर्ड किसको सॉल्व करने नहीं आता बेटा जी बोन होगा सही आंसर लगता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं बेटा, बेटा 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 सुनो 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 क्रॉसवर्ड कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे लिखना होता है कि वो फिट कर जाए क्वेश्चन वन का आखिरी वाला फर्स्ट क्रॉसवर्ड का आखिरी फाउंड इन मैमल्स चलो मैं भी मैं भी समझाता हूं कोई बात नहीं मैं भी समझाऊंगा ठीक है जिसे क्रॉसवर्ड खेलना नहीं आता कोई बात नहीं मैं अभी समझाऊंगा कैसे खेलते हैं फिर हम अगली बार सूडू को खेलेंगे है ना अगली बार हम कोशिश करेंगे सूडू को खेलने का मजा आएगा है ना आ, नैतिक बेटा मेंटी कोड तो देखो ऊपर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वेरी गुड मैमल्स मैमल्स में हेयर पाया जाता है ठीक है चलो आ, चलते हैं एक बार वापस अपने प्रेजेंटेशन पर ठीक है चलो देखो कई लोग कंफ्यूज हैं तो मैं उनको बताता हूं कि करते कैसे हैं ठीक है हाउ टू डू दिस ओके देखो एंट्री पॉइंट ऑफ फूड ये तो सबसे आसान था तो पहले मैंने माउथ लिखा एम देखो अक्रॉस मतलब ऐसे डाउन मतलब ऐसे है ना तो अक्रॉस का वन एंट्री पॉइंट ऑफ फूड ये मुझे पता है माउथ है एम ओ यू टी एच अक्रॉस का टू हेल्प यू गेट एनर्जी टू देखो किससे स्टार्ट हो रहा है ओ से स्टार्ट हो रहा है और ई एन से खत्म हो रहा है मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा अरे ये तो ओ से ऑक्सीजन स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन फिर डाउन का थ्री हेल्प यू पिक्स अप थिंग्स अब देखो ओ एन ई थ्री कहां है ये रहा थ्री का डाउन ये रहा तो मुझे दिख रहा है कि थ्री के डाउन में ओ एन ई है तो मुझे देखना पड़ेगा अच्छा बोन हेल्प मी पिकअप थिंग्स अब फोर्थ देखो फाउंड इन मैमल्स मैमल्स में बहुत कुछ मिलता है हेयर नेल्स लंग्स हार्ट बट एच से स्टार्ट हो रहा है आर से फिनिश हो रहा है एच ए आई आर ठीक है तो आपको पहले एक्रॉस या डाउन पढ़ना है और फिर चीजों को फिल करना है ठीक है ठीक है चलो ये आंसर था देखो बोल माउथ ओके अब हम्म सॉरी चलिए अब आपके पास तीस सेकेंड का समय है नॉट तीस सेकेंड चलो एक मिनट दिया ठीक है योर वन मिनट स्टार्ट नाउ देखो भाई मैं टाइम मैं टाइम देख रहा हूं आई एम लुकिंग एट द टाइम एक मिनट के बाद मैं मेंटी पे चला जाऊंगा ठीक है एक मिनट का टाइम है इस बार थोड़ा तो जल्दी करेंगे सर साइड हो जाओ अच्छा साइड यही बात है भाई मुझे साइड तो होना पड़ेगा एक सेकेंड रुक जाओ कंटेेंस अल्कोहल ये देखो मैं नीचे हो गया है ना मैं नीचे हो गया <coughs> मैं नीचे हो गया हो गया चलो 15 सेकेंड और मिलेगा इतना हो गया 1 1 मिनट 15 सेकंड्स हाँ। प्लीज रीड द क्वेश्चन बॉबी बेटा जी क्वेश्चन अगर मैं पढूंगा फायदा क्या आपको जल्दी-जल्दी क्विकली -जल्दी, करना है है ना देखो 1 मिनट 1 वन मिनट फाइव वन मिनट टेन पांच सेकेंड और ठीक है टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ चलो 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 हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक है अब वापस जाएंगे मेंटी पे विल गो बैक टू मेंटी ठीक है मेंटी पे जाएंगे मेंटी पे अब आंसर्स लिखेंगे ठीक है मेंटी पे आंसर्स लिखेंगे ओके okay? सारे कैपिटल लेटर्स में लिखने है, याद मैं बता दूं, वैसे तो कंसीडर हो जाएगा बट फिर भी राइट एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर्स ओके तो ये क्वेश्चन था है ना ये क्वेश्चन था चलिए ये क्वेश्चन था अब अब मैं अब मैं आंसर के लिए शो करने वाला हूं ठीक है क्वेश्चन फाइव है अक्रॉस वन अमल ये आधा लिखा हुआ है बट अ मैमल विच मैमल विच मैमल विच लुक्स लाइक अ फिश ऐसा मैमल जो मछली की तरह दिखता है ठीक है मैमल लुक्स लाइक अ फिश अक्रॉस का वन हाई सभी हा बेटा बोलगा बहुत सही बहुत ही सही बेटा बात क्या है वेल राइट द करेक्ट आंसर इज वेल वेल्स एंड डॉल्फिन दे लुक लाइक फिशेज बट दे आर एक्चुअली मैमल्स ठीक है देखते हैं किसने किसने कि जल्दी जल्दी किया चलो तो अगला क्वेश्चन है कम ऑन बेटा जी एवरीवन Everyone, yes, यस 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 आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू दिस आप सभी कर सकते हो बस तीन पजल है तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री अजीब है नहीं नहीं अजीब नहीं है बस थोड़ा सा ना मूवी का मूवी का है कंटेन्स एल्कोहल बट यू हियर दिस टू मच इन मूवीज बेटा यू हियर दिस टू मच इन मूवीज ब्रिंग मी डैश चलो मैंने हिंट दे दिया मूवीज में डायलॉग्स होता है ब्रिंग मी डैश ओके okay. अच्छा मैं क्लिक करना भूल गया था टाइप करने के लिए नो no. बेटा स्माइली डॉट बेटा वेल में फिट भी तो होना चाहिए बस होने से नहीं होता ना वेल में फिट भी तो होना चाहिए हाय प्रियांशु आई एम डेफिनेटली डूइंग एक्सेलेंट हाउ आर यू आप कैसे हो बेटा में फिट होना चाहिए ना संज्ञा इट कंटेन्स एल्कोहल ड्रग डॉट ड्रग एल्कोहल इज अ ड्रग ड्रग नॉट कंटेन पज़ल। रुचि पहले मैं आपको पजल दिखाता हूँ फिर आपको आंसर करने बोलता हूँ ओहो द करेक्ट आंसर इज एल बेटा एल एल में अल्कोहल होता है राइट डब्ल्यू A L E एल इज एल एल है पुराने जमाने में अल्कोहल को एल बोला जाता था ठीक है पता नहीं <laughs> कोई बात नहीं बेटा ये इसी में तो मजा है कितने लोगों को मजा आ रहा है कितने लोगों को बोरिंग लग रहा है ये बताओ पहले जिसको बोरिंग लग रहा है बता दो ऑनेस्टली कि सर मजा नहीं आया इसमें मतलब डिफिकल्ट है ये मत बोलना मजा नहीं आ रहा तो बताओ बस डिफिकल्ट है इसलिए मजा, तो मजा नहीं आ रहा तो ये तो गलत बात है मैमल fly. मैमल जो उड़ सकता है सोचो तो एक हिंड देता हूं काली रातों का राजा है वो विधि 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 बेटा अभी ये पजल चला गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा पजल दिखाऊंगा ठीक है एक क्वेश्चन में पांच और छह होगा तो पांच छह सॉल्व करके फिर आपको दोबारा पजल देखने को मिलता है ठीक है मैमल फ्लाई डाउन बहुत अच्छा बैट है ना बी एटी बैट राइट करेक्ट आंसर इज बैट बेटा बैट करेक्ट आंसर है बी बी नहीं आउल बेटा नहीं है आउल बर्ड है दिनेश आउल इज अ बर्ड बेटा जी आउल इज नॉट अ मैमल आउल इज अ बर्ड बेटा बैट गलत नहीं है बैट सही है बैट सही है यू लुक ऑसम थैंक यू सो मच बेटा जी बैट है बैट है नॉट बीए टीपी बैट फ्यूल फॉर सेल्स सेल का फ्यूल हाँ क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन टू का डाउन थ्री ओके मजा भी आ रहा है कभी काल बोरिंग भी लग रहा है अच्छा चलो अगली बार कुछ और करेंगे अगले बार सूडू को भेज लाते हैं कोशिश करते हैं सूडू को सॉल्व करने का है चलो, 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 चलो। आपको एनर्जी मिलता है आप ये एट्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर सॉरी क्रॉप सॉरी सेल चैप्टर में पढ़ते हो एटीपी इज दी एनर्जी करेंसी नहीं नहीं, नहीं, नहीं एटीपी बेटा सुनो 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 जैसे किसी ने लिखा फूड ब्रैकेट में एटीपी नो 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 मैटर नो सर सुडूको इज बोरिंग बेटा सुडू को बोरिंग नहीं है दिमाग है बट मैथ्स वाला नहीं बायो वाला सुडू को मैथ्स वाला सुडू को तो मुझसे भी सॉल्व नहीं होता मैं भी अभी सर से करवाता हूं मैथ्स वाला नहीं बायो वाला सुडू बायो का सुडूको कभी खेला है क्वेश्चन नाइन ऑफ फिफ्टीन गायों का सूडू को खेलेंगे डोंट वरी खेलेंगे खेलेंगे बहुत जल्दी खेलेंगे प्लेस फॉर स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी हाँ बेटा पढ़ाई भी करेंगे खेलेंगे भी सब कुछ करेंगे स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी हमारी शरीर में कहा सबसे छोटी हड्डियां हैं बहुत दिमाग लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पांच मिनट मिलेगा पक्का प्रॉमिस द करेक्ट आंसर इज ईयर ईयर में होता है ईयर और साइकिल्स थैंक यू सो मच करो बहुत अच्छा है ना ईयर और साइकिल्स होता है जिसका इंडिविजुअली हम उसको कहते हैं मेलस इनकस स्टेपिस आम भाषा में बिकॉज ऑफ देयर शेप्स वी कॉल देम हैमर एंड है ना तो ये सारी जो है स्मॉलेस्ट बोन्स होती है बॉडी की आपकी बॉडी की सबसे छोटी छोटी बोन्स ना इसी को कहते हैं ठीक है चलो चलिए तो ये आंसर है आपका वेल बैट वो पी बैट ही है सिर्फ बी ए टीपी नहीं है ए टीपी निक्स का है एल और ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री अब मैं आपको दोबारा पजल दिखाऊंगा आई शो यू द पजल वंस अगेन ठीक है मैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मैं पजल दिखाता हूं अभी 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 रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ लेट मी शो द पजल क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री बेटा आपके दो मिनट मैं थोड़ा सा नीचे हट जाऊं, वरना फिर आप बोलोगे सर दिखाई नहीं दिया आपके कारण हार गए हम बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं देखो अपने आप को मैंने नीचे कर लिया आपका समय शुरू होता है अब ठीक है टाइम स्टार्ट राइट नाउ कम ऑन क्विकली लेट्स प्ले दिस बेटा शाश्वत ना फैन ना एसी बस हम होते हैं नो फैन इज नो नो नीड ऑफ एनी फनिंग है ना कोई किसी का फैन देखो फैन इज लाइक एपीजे अब्दुल कलाम का फैन हो उन्होंने बहुत कुछ किया है, है ना आर हैव द नॉट बिग थिंग्स राइट नाउ तो एपीजे अब्दुल कलाम का फैन होते हैं सर नंबर तो लिख दो अच्छा सॉरी यार ये सही है देखो कितने अच्छे बच्चे हैं मुझे याद दिलाते सर आपने नंबर नहीं लिखा <laughs> बेटा अपना नाम जरूर बता देना प्लीज गेट सेट गो टॉकिंग टॉम जेक जे, जेत्सकी, जेत्सकी। ओके। हाँ प्रदीप बेटा हमने दोस्तों को बुलाया यार वाई वाई एट्थ क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है यार बच्चे नहीं है एट्थ क्लास में मुझे तो ऐसे ही लगता है और अगर अगर ये अच्छा लग रहा है ना चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना हाउ टू से शायंतन ओ वेरी वेरी गुड नेम शायंतन मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड का नाम शायं है सो हाउ डू यू प्ले इट यू फर्स्ट थिंग अक्रॉस मतलब क्या हुआ ऐसे ऐसे डाउन कैसा क्या मतलब हुआ ऐसा ऐसा ठीक है तो अक्रॉस में फर्स्ट देखो अक्रॉस में फर्स्ट मतलब ऐसा वाला ये है वैक्यूल को हम क्या कह सकते हैं वैक्यूल को क्या कह सकते हैं जो ए से स्टार्ट होता है और ए पे खत्म होता है ए से स्टार्ट होता है ए से खत्म होता है ओके okay. और ऐसा क्या है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस विद एटीपी जो टू से स्टार्ट होता है देखो ऐसा क्या है जो एटीपी के साथ प्रोड्यूस होता है जिसके बीच में टू आता हो शुरुआत में एच आता हो प्रोटीन फैक्ट्री प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं जो आर से स्टार्ट होता है है ना आशीष ओके ओके बेटा सर आई लव टेल हर बेटा आ मत मानना बट लव लव इज अ वेरी बिग थिंग बिलीव यू यूर नॉट राइट नाउ यू कैन लाइक लव के लिए दे इज अ लॉन्ग रोड अहेड राइट नाउ यू लाइक पीपल एंड इट्स वेरी ओके टू लाइक पीपल राइट बट यू कैंट लव राइट नाउ यू 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 डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लव इट्स 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 नॉट इट्स नॉट डीपर इट्स नॉट ग्रेटर राइट चलिए अब चलते हैं वापस हमारे मिंटी पे है ना अब चलते हैं वापस हमारे मिंटी पे ओके okay, जी चलो मिंटी 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 चलो गाइज एवरी वन कौन क्वेश्चन टेन ऑफ फिफ्टीन छह क्वेश्चन आपके सामने यस अक्रॉस वन वैक्यूल्स को क्या कह सकते हैं अब देखो जिन लोगों ने क्लास में ध्यान दिया होगा ना उसको वो एकदम सही आंसर करेंगे अब पता चलेगा कि क्लास में जब मैं माइंड मैप बनवाता था तो कौन लोग ध्यान देते थे है ना जो लोग क्लास में ध्यान देते थे उनका ये बहुत आसानी से हो जाएगा जो क्लास में ध्यान नहीं देते थे उनका तो प्रॉब्लम होगा सिर्फ थर्टीन पीपल वाई अजंता अमल्या, बेटा अलमीरा किसी ने अलमीरा लिखा क्या करते हैं बेटा स्टोर करते हैं है ना वैक्यूल क्या करते हैं स्टोर करते हैं चीजों को अलमीरा में आप क्या करते हो स्टोर ही तो करते हो राइट सो वैक्यूअल्स कैन बी कॉल्ड एज अल्मीराज ऑफ द सेल है ना आप देखो किसी बच्चे ने लिखा सर शट आप ऐसा क्या है क्या बेटा बड़ों को ऐसे नहीं लिखते बड़ों क्या? किसी को किसी से भी रूडली बात नहीं करते है ना बेटा पता है आप देखो अभी बच्चे हो अभी आपके सब सबके सब अगर आप अभी आप देखो आप यूर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री बेटा लेट अस बिलीव लेटस हैेंज द फेस ऑफ इंडिया राइट right? बट जब आप ऐसा लिखोगे टीचर्स को तो हमको क्या लगेगा कि अरे अरे क्या इनके हाथ में हमारा फ्यूचर है राइट right? तो लेट्स नॉट डू दैट मजा नहीं आएगा यार भविष्य को आपके वर्तमान पे गर्व होने दो राइट right? ओके okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें चलिए ओके गाइस कम कम ऑन ऑन कम ऑन नेक्स्ट वन टुवर्ड्स यू प्रोड्यूस्ड विथ एटीपी एटीपी के साथ बनता है आप सोचो क्या बनता है नहीं 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 नहीं, चैट पे हिंट नहीं देना विधि खुशी चैट में हिंट नहीं देना बट द करेक्ट आंसर इज वॉटर बेटा अब आप याद करो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में याद है क्या पढ़ते थे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एटीपी तो मैंने बोला एटीपी के साथ क्या प्रोड्यूस होता है वाटर थोड़ा तो थोड़ा हिंट दीजिए ना अच्छा इस बार पक्का दूंगा ठीक है इस बार YouTube पे रुकना मैं पक्का हिंट दूंगा आई प्रोमिस पिंकी प्रॉमिस नहीं बेटा गुस्सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो क्या मैं करूंगा अगर आप गलतियां कर रहे हो तो इट्स माई जॉब टेल यू राइट कि ये गलत है राइट right? तो इसीलिए एट के बच्चे बड़े बड़े अच्छे हैं बिकॉज ठीक है अभी आपकी गलतियां हैं हाउ केन यू अच्छा अच्छा बेटा रुचि विथ टाइम इट टीचेस यू एवरीथिंग है ना इट लाइफ टीचेस यू गुड थिंग्स चलो आप ट्वेल्व और फिफ्टीन करेंगे ठीक है इस बार मैं हिंट दूंगा तो यूट्यूब पर रुक जाना उसके बाद मैं इंडी पे जाना ठीक है मैं हिंट दूंगा ओके देखते हैं क्वेश्चन क्या प्रोटीन फैक्ट्री सेल चैप्टर में पढ़ा है फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है मैंने बता दिया इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा फर्स्ट सॉरी नॉट फर्स्ट सेल चैप्टर में पढ़ा है फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है है ठीक बट इतना काफी है ओ, oh, uh, बेटा फैक्चुअल ट्यूबर uh, कल कल रिपब्लिक डे है ना तो कल हम कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए यू विल फाइंड यूल टुमारो एट इलेवन एम शार्प कल ग्यारह बजे सुबह सुबह ऑल ऑफ योर टीचर्स वुड बी देयर उमा होंगी मैं होंगे प्रज्ञा मैम होंगे रुमाना मैम होंगे सुश्रिता मैम होंगे हम सभी टीचर्स आपके सामने आने वाले हैं ग्यारह बजे तो कल ग्यारह बजे चैनल जरूर खोलना ठीक है चलो प्रोटीन फैक्ट्री ऐसे कैसे हो गया अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ इट इज आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर एल नहीं इट इज आर ई आर ठीक ठीक है 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 ये सही आंसर वो गलती से लगता है एल रह गया इट इज आर ई आर नॉट reticulum ठीक है बेटा YouTube पे सर R एंड आर में क्या है बेटा R आर अर्शिया क्योंकि तीन लेटर था राइबोसोम वहां फिट नहीं होगा ना अर्शिया सोचो ना बेटा वहां राइबोसोम फिट नहीं हो पाएगा अगर फिट हो जाता आपका आंसर सही हो जाता बट फिट नहीं हो पाया ठीक है करेक्ट करे ही प्रोटीन फैक्ट्री होता है बट उसको आप फिट नहीं कर सकते इसलिए सर किस पर्पस से मिलो बेटा कल रिपब्लिक डे है इसीलिए हम सब मिलने वाले हैं ठीक है एल वो गलती से आ गया है वो एल जो है ना वो गलती से आ गया वो हट हट जाएगा अगली क्लास में ठीक करवाता हूं पीछे से वो टाइपिंग इस, एरर है चलो तो थर्टीन क्वेश्चन गाइस थर्टीन क्वेश्चन थैंक यू सो मच फ्यूल कमॉन बेटा कलम गप्पे मारेंगे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली रिपब्लिक डे क्यों होता है और अपने देश के विभिन्न राज्यों को समझेंगे जानेंगे सर, आई हैव डाउट प्लीज टेल। दैट इज फंक्शन बेटा फंक्शन ऑफ वर्ड बेटा फंक्शन ऑफ राइबोसोम राइबोसोम आपका प्रोटीन बनाता है बट राइबोसोम कहाँ होते हैं ये आपका रफ इंडो रेटिकुलम के सरफेस पे जड़े होते हैं जैसे साड़ियों में कड़ाई जड़ी होती है ना इम्बेडेड, राइट दैट इज वाई फ्यूल तो बेटा ग्लूकोज इज योर फ्यूल क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ करके आप एटीपी बना सर यू नोटिस नो मैंने नहीं देखा अच्छा मीनिंग ऑफ योर नेम

बेंगोली टर्म वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज शाइं तो उसने मुझे बताया था इट शाइन या शाइन्स टिल दाइट सो इट्स वेरी पीस इट्स वेरी खाम एंड इट गिवस यू अट ऑफ गुड मेमोरीज इवनिंग स्टार दरी गुड गुड बहुत बढ़िया हाँ ठीक <laughs> है चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा मेरे नाम का मीनिंग क्या है बेटा ये तो प्रज्ञा पूछना पड़ेगा कल पूछते हैं प्रज्ञा ये वाला मुझे भी नहीं पता प्रज्ञा का मीनिंग क्या होगा मुझे भी नहीं पता यार सोचना पड़ेगा देखो मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है आई एम नॉट सो ग्रेट इन हिंदी क्लोरोप्लास्ट सोचो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है खाना बनाता है खाना कहां बनाते हो आप इतना हिंट काफी है देखो मैंने हिंट दे दिया आप मैं दोबारा नहीं बोलूंगा जो मैंने एक बार बोल दिया क्योंकि अगर मैंने दो बार बोला तो इसका मतलब मैंने आपको आंसर ही बता दूंगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी वाई ओनली फोर पीपल आर प्लेइंग मुझे चैट में तो बहुत लोग दिख रहे हैं पर यहां लोग क्यों नहीं है वाई आर पीपल नॉट इन मेंटी बेटा दी वॉट हैपेन्ड वेरी गुड बेटा क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल क्यों किचन में क्या करते हो आप खाना बनाते हो क्लोरोप्लास्ट में आप क्या बना रहे हो फूड कार्बोहाइड्रेट इसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के आप एडीपी बनाओगे देखो कितना आसान है ओ आई डिड नॉट नो दैट बेटा कोड देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेटा कोड ऊपर देखो लिखा हुआ आ रहा है आप एक बार ऊपर पढ़ो तो सही ओके लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी आखिरी क्वेश्चन है ठीक है अच्छे से करेंगे बिग इन प्लांट सेल्स ऐसा क्या है जो प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा बड़ा होता है ऐसा क्या है जो प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा बड़ा होता है वॉट इज दैट इज वेरी बिग इन प्लांट्स थैंक यू शायंतन बेटा एंड खुशी फॉर राइटिंग द कोड बेटा चलिए कमॉन कमोन कमॉन कमॉन कमान वेरी गुड वैक्यूल्स आर बिगर वैक्यूल प्लांट में बहुत बड़े बड़े होते हैं बट कम कम होते हैं बट एनिमल्स में बहुत छोटे छोटे होंगे बट बहुत सारे होंगे ठीक है

अभी नौ बजे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोविड नाइनटीन वैक्सीन जो अभी आ, इंडिया में जो भारत बायोटेक का वैक्सीन आया है और जो अभी आ, आपके एस्ट्राजें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेंका का जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं इन दि सेशन एट नाइन ओ क्लॉक तो कम विथ ऑल ऑफ योर ये अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बात करेंगे है ना